हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे हों। एंड आज की वीडियो में, वैसे टाइटल देख के आपने देख ही लिया होगा, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना साड़ी का कलेक्शंस। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं, तो मैं अपना साड़ी का कलेक्शंस भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो बहुत सारी हैं, तो इसलिए ना मैं मतलब ऐसे तो एक साथ नहीं दिखा सकती, लेकिन हाँ, पार्ट में मैं आपको अपनी साड़ियाँ शेयर करूँगी। मैं जैसे पार्ट 1 पार्ट 2, जिस तरीके से मैं अपना ब्लाउज कलेक्शंस और कुर्ती कलेक्शंस की वीडियो बना के पार्ट में डाल रही हूँ, उस तरीके से मैं अपने साड़ी का कलेक्शंस भी आपके साथ शेयर करूँगी। इतनी सारी साड़ियाँ ना एक साथ में नहीं दिखा पाऊँगी। सो मैं अपनी आपको फर्स्ट साड़ी दिखाती हूँ। ये है मेरी फर्स्ट साड़ी। इसका कलर कुछ मतलब रेड पिंक मिक्स सा, मतलब गाजरी सा कलर होता है ना, रेड पिंक मिक्स सा कुछ इस कलर ये साड़ी है। ये मैंने लास्ट ईयर अपनी करवा चौथ पे ली थी। एंड इसका ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर गोल्डन कलर की है जो कि ऊपर की तरफ आता है। एंड ये इसका बॉर्डर है जो कि नीचे की तरफ का है, ये इसमें नीचे की तरफ आता है जहाँ पे फॉल लगाते हैं, इसमें नीचे की तरफ गोल्डन दिया हुआ है। ये जो कलर है, इसी कलर का इसका ब्लाउज है। मैंने अब ब्लाउज़ के कलेक्शंस में इसका ब्लाउज शेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैंने अपना ब्लाउज कलेक्शन पार्ट फर्स्ट, आई थिंक पार्ट सेकंड, मैं लिंक दे दूंगी, वहाँ पे देख लेना। सो इसका ये इसमें डिज़ाइन इतने में दिया गया है। नीचे का बॉर्डर जो वो थोड़ा बड़ा है, एंड ऊपर का बॉर्डर ओनली इस तरीके का है और ये गोल्डन कलर का है। मैं आपको पूरी साड़ी दिखाती हूँ। ये साड़ी कुछ इस तरीके से है, ये साड़ी कुछ इस तरीके से है। एंड इसका पल्लू, पल्लू भी इसका कुछ इस तरीके से है। ये इसका पल्लू है। एंड ये पूरी ही साड़ी में ये सारा डिज़ाइन पूरी साड़ी के अंदर दिया गया है। ये सिल्क में साड़ी है, ये साड़ी बहुत सुंदर है, पहनने के बाद बहुत प्यारी, बहुत सुंदर साड़ी लगती है। सो ये थी मेरी फर्स्ट साड़ी। एंड मैं अब आपको अपनी सेकेंड साड़ी दिखाती हूँ। तो ये है मेरी सेकंड साड़ी जो कि मैंने अभी दिवाली पर ही सिबाई किया था। एंड इसका कलर कुछ मतलब डार्क पर्पल के जैसा कुछ ऐसा है, और इसका ब्लू कलर का बॉर्डर है, मतलब मैरून कुछ पर्पल कलर होता है ना कि मैरून कलर पे होता है, ये उस तरीके का कलर है। इसका फैब्रिक भी सिल्क ही है, इसका फैब्रिक भी थोड़ा सिल्क है और थोड़ा शाइनी सा भी है। ये भी बहुत सुंदर साड़ी है। इसका ये ब्लू कलर में बॉर्डर है, एंड ये इस पर इस तरीके का वर्क दिया है, बहुत प्यारा सा वर्क है, और इसके वर्क में भी बहुत शाइन है, ये इस तरीके का है। ये साड़ी कुछ इस तरीके की है, ये पूरी प्लेन साड़ी है, ओनली इसमें बॉर्डर ही कुछ इस तरीके से, ये बॉर्डर नीचे की तरफ आता है जो कि थोड़ा ब्रॉड है, एंड ये बॉर्डर ऊपर की तरफ आता है, ये बॉर्डर ऊपर की तरफ आता है। इसका बॉर्डर का डिज़ाइन भी बहुत सुंदर है। एंड इसका पल्लू कुछ इस तरीके का है, इसका पल्लू कुछ इस तरीके का है, कुछ सिमरी सिमरी सी शाइनिंग में कुछ इस तरीके का इसका पल्लू है। इसमें टेसल्स लगे हुए हैं, ये वाला इसका पल्लू है। एंड ये पूरी साड़ी एकदम प्लेन है। तो ये है मेरी सेकंड साड़ी जो कि मैंने दिवाली पे बाय किया है। अभी मैंने इसका ब्लाउज़ कलेक्शन, सिंस इसका ब्लाउज़ की वीडियो भी नहीं डाली है क्योंकि मैंने अभी इसका ब्लाउज़ रेडी नहीं किया है। जब मैं इस साड़ी का ब्लाउज़ रेडी करूँगी तो मैं उसका डिज़ाइन भी आपके साथ शेयर करूँगी। एंड ये है मेरी थर्ड साड़ी। ये साड़ी प्लेन है, ये भी प्लेन है। एक्चुअली बात ये होती है ना कि जो प्लेन साड़ियाँ होती हैं ना, वो बहुत सुंदर लगती हैं और ट्रेंडी सी लगती हैं। उनके ऊपर मतलब उन्हें मतलब कभी भी हम पहन सकते हैं, पार्टी डिज़ाइनर ब्लाउज़ के साथ हम उसे पार्टी में डाल सकते हैं, एंड सिंपल ब्लाउज़ के साथ हम उसे कहीं भी डाल के जा सकते हैं। तो ये जो मतलब पूरी प्लेन साड़ी होती है, मुझे मोस्टली ये ही साड़ियाँ ज़्यादा पसंद होती हैं कि जो सेंटर से बिल्कुल प्लेन होती हैं। ये साड़ी कॉटन में है, ये सिल्क में नहीं है, इसका फैब्रिक कॉटन है, ये कॉटन में साड़ी है। साड़ी भी बहुत अच्छी है। ये मैंने लास्ट ईयर दिवाली पे ली थी। एंड ये इसमें ये स्ट्रिप्स दी गई हैं, ये फैब्रिक में है, एंड इसका बॉर्डर ये थोड़ा मतलब शाइनी वाला बॉर्डर है। इस ये जो ये वाला पार्ट है, ये इसका नीचे की तरफ आता है जहाँ पे फॉल लगाते हैं, और ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ आता है जहाँ पे पिनअप करते हैं, ये पार्ट वहाँ पे ऊपर की तरफ आता है। यहाँ का बॉर्डर इतना ही है और यहाँ का बॉर्डर इतना दिया गया है। ये पूरी साड़ी प्लेन है,
ये पूरी साड़ी प्लेन है, इस तरीके की साड़ी है कॉटन में रेड कलर। ये साड़ी मुझे बहुत सुंदर लगती है। इसका भी ब्लाउज़ का वीडियो मैंने बनाया था और वो भी मैंने डाला था। मैं उस साड़ी उस ब्लाउज़ के साथ इस साड़ी को ज़्यादा पहनती हूँ, रेड कलर का ब्लाउज़ था। और इसका पल्लू बहुत सुंदर है, इसका पल्लू ये है, ये इसका पल्लू है। इसमें बहुत सारी स्ट्रिप्स दी गई हैं, ये देखिए ये इसका पल्लू है। ये सेंटर में गोल्डन कलर का ही वो शाइनिंग वाला बॉर्डर होता है ना, जो उस तरीके का बॉर्डर दिया गया है। ये इसकी इसका पल्लू है, बाकी साड़ी प्लेन है। ये नीचे की तरफ आता है एंड ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ है इसका। ये इस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से साड़ी है। ये कॉटन में साड़ी है। ये मतलब ये साड़ी इतनी अच्छी है कि ये पहनने के बाद ना जहाँ पे पहन लो ये वहीं पे रुकी रहती है। कॉटन की साड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एक्चुअली मेरी साड़ियाँ तो सभी अच्छी लगती हैं, नेट भी बहुत अच्छी लगती है, कॉटन सिल्क, बट ये कॉटन की ना बहुत अच्छी होती है कि मतलब जिस तरीके से इसे पहनो तो इस वो वहीं पे अच्छे से रुक जाती है। एंड मेरी ये एक साड़ी लास्ट ये है, ये कुछ शिफॉन में साड़ी है। इसका फैब्रिक कुछ शिफॉन जॉर्जेट सा है, कुछ उस टाइप का। ये प्रिंटेड साड़ी है, ये भी बहुत प्यारी साड़ी है। ये मतलब ये क्या होता है, ये इस तरीके की साड़ियाँ ना गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है। समर के वेदर जो होता है तो उसमें इस तरीके की साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। इस पर ये बॉर्डर दिया गया है, इस तरीके के सिल्क के बॉर्डर होते हैं ना, मतलब उस टाइप का इस पर बॉर्डर लगाया गया है। ये इसका जो ब्लाउज़ है वो भी मैंने अभी रेडी नहीं किया, उसका भी मतलब जब रेडी करूँगी तो मैं अपनी वीडियो में उसका इसका ब्लाउज भी शेयर करूँगी आपके साथ। इसका बॉर्डर कुछ इस तरीके से और ब्लाउज़ का कलर इसका इस तरीके का है। एंड ये वाली साड़ी कुछ इस तरीके की, पूरी साड़ी ये इसी तरीके की है, फुल प्रिंट। ये साड़ियाँ गर्मियों में बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत अच्छी, तो मैं इसको समर में ही पहनती हूँ। ये इस तरीके की साड़ी है, इसका पल्लू भी इसी तरीके का है, सिर्फ पल्लू के ऊपर ये बॉर्डर आया हुआ है, बाकी पूरी साड़ी और पूरा पल्लू ऐसा ही है। तो ये था मेरा साड़ी कलेक्शन पार्ट फर्स्ट। मैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी पार्ट टू की भी, जो कि मैं अपने आपके साथ अपनी साड़ी कलेक्शन से और साड़ियाँ शेयर करूँगी, और साड़ियाँ दिखाऊँगी मेरे कलेक्शंस में कौन कौन साड़ियाँ हैं, किस किस नेट सिल्क बनारसी, मतलब तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं। सो थैंक यू।